स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर साइंस क्लास। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर कौन सा था हमारा, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, सॉरी 4 था, एनिमल लाइफ स्टाइल। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो चार टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी इससे पढ़ लिया होगा, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एनिमल्स, ये सब। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फीडिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स में फीडिंग किस टाइप से होता है। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सभी एनिमल को जिंदा रहने के लिए क्या फूड की नीड होती है। ठीक है, अपने को भी होती है, एनिमल्स को भी होती है, एंड प्लांट्स को भी। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स द मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ। जो फूड के मटेरियल्स रहते हैं वो ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आवर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। और वो हमें एनर्जी जो रहती है फूड से, जो हमें एनर्जी मिलती है वो अदर प्रोसेस के लिए भी हेल्प करती है, लाइफ में अदर प्रोसेस जो करने रहती है उसके लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ ऑल एनिमल्स एट द सेम काइंड ऑफ फूड। ठीक है, ऐसे ही हम सारे एनिमल्स को फूड की नीड रहती है। ठीक है, सून ऑल फूड वुड बी ओवर एंड ऑल एनिमल्स वुड डाई। अगर सारे एनिमल्स एक ही फूड खाने लग जाएं, सभी एनिमल डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। ठीक है, अगर सारे एनिमल एक ही फूड खाने लग जाएंगे तो फूड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे कि क्या होंगे, एनिमल्स मर जाएंगे। फॉर्चुनेटली डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, इसीलिए अलग अलग एनिमल अलग अलग फूड खाते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स आर एडेप्ट टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। और उनकी बॉडी भी ऐसे एडेप्ट करती है कि उनको, जैसे कि अपन है, ठीक है, अपन नॉन वेज भी खा सकते हैं और वेज भी खा सकते हैं। जैसे लोयन है, अब लोयन को आप घास खिलाओगे तो थोड़ी खाएंगे क्या, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता है कि उनको वही फूड खाना पड़ता है। ठीक है ना, एनिमल दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरियस। जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, ठीक है, वो हर्बीवोरियस होते हैं। दे इंक्लूड शीप, रैबिट्स, काउ, ज़ेब्रा, डियर, ये सब उसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये सब ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स की पत्ती वगैरह। ठीक है, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बीटिंग एंड लार्ज बैक टीथ फॉर द ग्रेडिंग द फूड। इनके क्या होते हैं, लार्ज फ्रंट साइड में टीथ रहते हैं शार्प, जो कि वो घास को खाने में हेल्प करते हैं। स्मॉलर हर्बीवोरियस सच एज रैबिट्स, रैट एंड स्क्वायरल ग्रेन सीड्स एंड फ्रूट्स, दे आर कॉल्ड रोडेंट्स। दे हैव लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ। ठीक है, जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, जैसे रैबिट हुई, रैट हुआ, स्क्वायरल हुआ, ये सब क्या खाते हैं, बीज, सीड्स एंड फ्रूट्स खाते हैं, जिनके रोडेंट्स बोलते हैं। और इनके क्या होते हैं, लॉन्ग और शार्प टीथ होते हैं। ठीक है, देखा होगा ना आपने स्क्वायरल वगैरह को, रैट को। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोरियस। जो एनिमल्स ओनली क्या खाते हैं, एनिमल को खाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्निवोरियस। एग्जाम्पल जैसे कि देखते हैं, टाइगर, लॉयन, कैट्स एंड रेनर। ठीक है, ये सब क्या है, कॉर्निवोरियस है, क्योंकि ये एनिमल्स ईट करते हैं। ठीक है, एनिमल को ही खाते हैं। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लैश। ठीक है, जो कि शिकार करने के लिए उनकी मदद करते हैं, जो उनके शार्प टीथ रहते हैं आगे। देयर बैक टीथ आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव शार्प एज, देयर यूज चीव द फ्लैश एंड बोन्स। ठीक है, इनके जो पीछे के दांत रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और जो आगे के रहते हैं वो तीखे रहते हैं, जो कि बोन्स को चबाने में मदद करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज एज एंड वर्चुअल्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ पार्ट्स। दे हैव शार्प हुक्ड बीक फॉर टीयरिंग एंड फ्लैश ऑफ देयर विक्टिम्स। जो ईगल और वर्चुअल रहते हैं वो बर्ड, उनके क्या रहते हैं, शार्प हुक्ड रहते हैं, पंजे शार्प रहते हैं, जो कि वो उनके चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे शार्प ची फॉर कैचिंग देयर प्रे। और उनके शार्प क्या रहते हैं, चीव, जिससे पंजे, तो वो क्या करते हैं, कैच करने में, किसी का भी शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स सच एज बियर्स एंड ह्यूमन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरियस। और जो प्लांट और एनिमल्स दोनों का ईट करते हैं, दोनों उनका फूड रहता है, उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरियस। ठीक है,
ये आगे समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।